सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नकुल धूल के बारे में। तो दोस्तों नकुल धूल ने एक्सपोज कर दिया है सारे इंडियन यूट्यूबर्स को। जी हाँ दोस्तों, और आखिर क्यों? तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले मिस्टर बीस्ट KSI और लोगन पॉल आए हुए थे इंडिया अपने प्रोडक्ट प्राइम ड्रिंक और मिस्टर बीस्ट फेस्टिवल्स को लॉन्च करने के लिए, और उन्होंने वो लॉन्च भी कर दिया। और उसी के बाद सारे इंडियन यूट्यूबर्स उनसे मिले और काफी सारी बातचीत इनके बीच हुई। और दोस्तों अभी जो है इसी पर बात करते हुए नकुल धूल सारे इंडियन यूट्यूबर्स को एक्सपोज कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में क्या कुछ कहते हैं आप खुद ही देख लीजिए। भाई तुमने एक चीज नोटिस करी है कि जो बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाहर के यूट्यूबर्स हैं, ये जो बाहर के लोग हैं, इनको इंडिया कब याद आता है? जब इनके लाइक रिएक्शन नीचे जा रहे होते हैं इनको तब याद आता है, या फिर इन्हें कुछ बेचना होता है अपना कोई बकवास सा प्रोडक्ट। यूजुअली तुम देखना इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बकवास इनके देश में फ्लॉप हो चुका होता है तो ये लास्ट में इंडिया आते हैं, क्योंकि इनके लिए इंडियंस गधे हैं, बेगैरत गुजरे गधे हैं कि बहन जो गोबर ही तो है खरीद लेंगे, गोबर तो खाते ही हैं पूरे दिन लिटरली। तुम्हें ये शिट ड्वेलर्स पता नहीं कैसी कैसी बातें बोलते हैं तुम्हारे बारे में, इनके दिमाग में जो स्टीरियोटाइप है ना बाहर, ये वही सोचते हैं, सिर्फ मतलब के लिए इधर आते हैं। और इनकी गलती भी नहीं है, मेरे को कोई गधा बेवकूफ दिखेगा जिससे मैं पैसे ले सकता हूँ मैं ले लूँगा भाई, अगर मेरे में एथिक्स नहीं है। इनमें नहीं होते एथिक्स, गधे हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स भाई, जो कहने को तो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं पर वो हैं लंड बुद्धि एक नंबर के, वो सबसे बड़े टट्टे अंग्रेज हो गए, सबसे बड़े यूट्यूबर नहीं है टट्टे हो गए हैं। चलो तुम भाई, एक तो इन लोगों की ना कोई वैसे सॉलिड सी पर्सनैलिटी नहीं है। अंग्रेज आए कुर्ता सलवार पहन के, ये देखो हम आ गए। क्या भाई क्या दिखाना चाह रहा है कि तुम मैं जैसे कुर्ते पहन के घूमते रहते हैं यहाँ पे? क्या दिखाना चाह रहा है अंग्रेजों को तू? वो पोज डालेंगे हमेशा सारे कुर्ते पहन के खड़े हो जाएंगे वहां पे, फिर बोलते हैं हमें स्टीरियोटाइप करते हैं। अबे तुम्हें बिल्कुल जीरो पर्सनैलिटी है भाई इन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों की। ये चूतियां ही है भाई एट द एंड ऑफ द डे इंडियन इन्फ्लुएंसर, इनकी खुद की गांड में गूदा है ही नहीं बिल्कुल भी। अंग्रेज आया ओ चूतड़ ढंग लग जाएगा मिस्टर बीस्ट के सामने, पक्का मैं लिख के दे रहा हूं। रात को ही तेल लगा के नाचेंगे इसके सामने, लोगन पॉल की ऐसा यूं, और ये सारे तेल लगा के गांड हिलाएंगे। चूतिए बहनचोद, अंग्रेज ही तो है भाई, गोरा ही तो है थोड़ा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि नकुल धूल ने जो अभी बातें कही हैं वो सही है या फिर गलत? मुझे अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बात चल रही है मिस्टर बीस्ट KSI और लोगन पॉल के बारे में। तो दोस्तों इनके लॉन्च किए हुए प्रोडक्ट फ्लॉप हो सकते हैं इंडिया में, और आखिर क्यों? तो इनके प्राइजेस इंडियन प्रोडक्ट के हिसाब से काफी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, और इसी पर बात करते हुए एक इन्फ्लुएंसर ने ऐसे रीजंस बताए जिसे सुनने के बाद आप भी उस रीजंस को एग्री करोगे। तो वो अपनी वीडियो में क्या कुछ कहते हैं आप देखिए। मिस्टर बीस्ट और लोगन पॉल ने इंडिया में अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दी है पर दो रीजन की वजह से वो बंद हो जाएगी। चलिए समझाता हूँ। देखिए इंडिया में इनकी बहुत फैन फॉलोइंग है तो एक बार तो इनके प्रोडक्ट्स हर कोई खरीदेगा, पर रिपीट परचेस के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। पहला है प्राइस पॉइंट। मिस्टर बीस्ट की फीस्टेबल चॉकलेट का प्राइस रखा है 499 रूपए 60 ग्राम के, और उसके सामने डेरी मिल्क सिल्क 90 रूपए में मिल जाती है 60 ग्राम। ये प्राइम ड्रिंक का भी प्राइस रखा गया है 399 400 रूपए, जबकि इंडिया में कोई भी कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक मैक्सिमम 200 रूपए तक मिल जाती है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। जब तक ये प्रोडक्ट इंडिया के हर बड़े स्टोर में अवेलेबल नहीं होगी तब तक ये प्रोडक्ट्स बिकेगी ही नहीं। तो बढ़ते ही अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं थगेश के बारे में। तो दोस्तों थगेश मिस्टर बीस्ट KSI और लोगन पॉल को नहीं मिल पाए और इसी चीज को लेकर वो डिसअपॉइंटेड भी है। तो दोस्तों इसी पर बात करते हुए थगेश अपने रिसेंट वीडियो में कुछ ये कहे। अबे ठीक है भाई, जलाओ मत यार बहुत, एक तो मेरी को जलन हो रही है, सब लोग जो जाके मिल के आए ना, क्या करें भाई, कोई बात नहीं एक दिन अपन भी मिलेंगे, लेकिन अभी आज वो दिन नहीं है। पता नहीं यार हमको ही क्यों नहीं बुलाते हर जगह, कोई बात नहीं किसी दिन। तो बढ़ते ही अगली अपडेट की तरफ। तो दोस्तों क्या मिस्टर बीस्ट और इंडियन यूट्यूबर्स की कोई बड़ी कॉलैब वीडियो आने वाली है? बेसिकली कैरी मिनाटी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हैं जिसके कैप्शन में वो लिखते हैं थाला फॉर अ रीजन टू मेकिंग जिम्मी वेयर इंडियन क्लोथ्स, नाउ हुज आइडिया वेयर दोस। और दोस्तों मिस्टर बीस्ट इसी पोस्ट के नीचे कमेंट करते हुए लिखते हैं December 19th फायर वाला इमोजी, 19 दिसंबर को शायद इनकी कोई कॉलैब वीडियो आने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते ही अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं एजाज खान के बारे में। तो दोस्तों एजाज खान ने फिर से पोक कर दिया है सारे यूट्यूबर्स को। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली एजाज खान एक पॉडकास्ट में गए थे और इसी पॉडकास्ट में उन्होंने कैरी मिनाटी, हर्ष बेनीवाल, पूरव झा और कई यूट्यूबर्स को पोक कर दिया है और अपना जवाब भी दे दिया है। तो दोस्तों एजाज खान सारे यूट्यूबर्स को क्या कुछ कहते हैं आप इस पॉडकास्ट में देखिए। भाई ये बचकाने मेरे नाम का वीडियो बनाते तो ये ट्रेंडिंग में चलते, कैरी मिनाटी की वजह से हम चले होते तो ये 4 साल पहले मेरा वीडियो बनाता क्या रोस्ट करते हुए। ये सिर्फ स्टारों के वीडियो बनाते, जो चलते हैं उनके वीडियो बनाते हैं।
ये पूरब झा, मतलब ऐसा खुजाऊंगा ना कई पूरब झा गिर जाएंगे, ऐसा करूंगा तो हर्ष बेनीवाल कई गिर जाएंगे, और ऐसा कर दिया तो कई यूट्यूबर गिर जाएंगे जो रोस्ट करते हैं हमें। तो आप समझिए कितने बाल लेके हम चल रहे, वो तो अच्छा है जुम्मा के पहले निकाल देते हैं हम, क्योंकि बाल से चावल के दाने से बड़ा बाल हो गया तो ना नमाज होगी ना तुम पाक रहोगे, इसलिए इन सबको हम साफ कर देते हैं जुम्मा जुम्मा आराम को। ये सब बाल है हमारे, हमारे सामने आएंगे पेशाब कर देंगे आराम को। ये देखा गया भाई मुंबई में जब राजवीर, मुंबई नहीं हिंदुस्तान में कहीं भी जी भाई, शेर हमेशा अकेले चलते हैं और इनके कोई इलाके नहीं होते, वो जहाँ खड़े हो जाते हैं वही उनका इलाका हो जाता है। मुंबई में ये भी देखा गया ना भाई कि हम जो वीडियो में देखा था जो राजवीर के साथ में आपका पंगा था खत्म हुआ है जिस तरीके से, वो सारी पब्लिक को यही नहीं मालूम कि हमारे साथ 3 लोग थे और उसके साथ 400 लोग थे, तो भी हम 3-4 लोग अंदर गए उसकी जगह पे, क्योंकि वो आया था कॉम्पिटिशन करने के लिए यहाँ पे। वो तिलक राज करके एक बॉडी बिल्डर है जो सबको बॉडी बिल्डर बनाते हैं, उनका एक शो था इधर गोरेगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो वहां पे ये लोग सब 400-500 बॉडी बिल्डर ये सब आए थे, तो उसने बोला मैं यहां हूं आ जा, तो जाना तो बनता है ना मेरे दोस्त। स्पेशली वो हमारे लिए नहीं आए थे, उन लोगों का एक कॉम्पिटिशन था तो वो आए, और वो आए थे हमसे समझौता करने, क्योंकि जो उनके बॉस थे तिलक राज जी यहाँ के लोगों से बात किया था कि भाई आदमी असली है बातों का नहीं है, जहां बुलाओगे आएगा जरूर। तो गए हम, समझौता किया, अब हमारे हरियाणवी भाई लोग बन चुके। तो बढ़ते ही अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसे देखने के बाद आप भी शॉक ही हो जाओगे। जयपुर से ये घटना बताई जा रही है जिसमें कि एक एसयूवी ड्राइवर एक रील को शूट करने के लिए अपने 4 व्हीलर को रेलवे ट्रैक पर ही आकर खड़ा कर देता है। जी हां दोस्तों, जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख ही पा रहे होंगे, और वहां पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कुछ ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं तो ये अपनी गाड़ी को रिवर्स करके ही भाग जाता है। तो ये वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूं, आप पूरा देखिए। जो भी मेरे पास नो कुछ गाड़ी जबत कर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। सोशल मीडिया और यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड ऐसे न्यूज पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।